नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूँ एस एन दहिया चैनल पर। दोस्तों, अगर सुबर घोड़ी है आपकी तो उसको क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, गर्मियों में क्या खिलाएं, सर्दियों में क्या खिलाएं पिलाएं, और कैसे उसका ध्यान रखें। जब वो ठाण दिए तो वो ईजी दिए, अगर आप यह पिलाएंगे तो आपकी घोड़ी भी ठाण ईजी दिएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों सभी से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, क्योंकि घोड़ा घोड़ी से संबंधित जानकारी हम इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, बिगर टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास में सुपर घोड़ी है तो आप गर्मी में, अगर मई जून के महीने में अगर आपकी घोड़ी ठान देने वाली है तो उससे पहले आप ध्यान रखें कि गर्मी की चीज़ कुछ भी ना खिलाएं उसको। जैसे बाजरा वगैरह होता है वो गर्मी करता है और सर्दियों में देती है अगर ठाण, तो आप उस टाइम में यानी कि बाजरा वगैरह खिला सकते हैं। लेकिन मई जून के महीने में अगर आपकी घोड़ी ठाण देने वाली है तब आप गर्मी की चीज़ कुछ भी ना खिलाएं। दोस्तों, वैसे सुपर घोड़ी की कोई पहचान नहीं होती है, सिर्फ यानी कि कुछ लक्षण होते हैं उन्हीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, ये घोड़ी सुपर है और ये ठाण देने वाली है। वैसे मैं सुपर घोड़ी के लक्षण के ऊपर यानी कि एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको हमारे चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो वो वीडियो देख के आप लक्षण पहचान सकते हैं कि सुपर घोड़ी के क्या क्या लक्षण होते हैं। लेकिन अगर आपकी घोड़ी ठाण देने वाली है तो वो इजी तरीके से कैसे ठाण दिए ताकि आपकी घोड़ी भी सुरक्षित रहे और आपका बच्चा भी घोड़ी का एकदम सुरक्षित रहे, कोई भी समस्या ना आए उसको, अगर आप ये पिलाएंगे तो आपकी घोड़ी एकदम इजी तरीके से ठाण दिएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी घोड़ी को 9-10 महीने में अगर आप स्टार्ट कर देते हैं दूध और घी, काफ़ी भाइयों के पास में घी नहीं होता है, कॉस्टली होता है, लेकिन आप दूध और तेल दे सकते हैं, सरसों का तेल और दूध पिला सकते हैं आपकी घोड़ी को। उससे क्या होगा कि जो चिकनाहट होता है आपकी घोड़ी के शरीर में जाता है, तो उसमें जब ठाण दिएगी आपकी घोड़ी तो वो एकदम इजी तरीके से दिएगी। काफ़ी भाई बोलते हैं कि दूध नहीं है हमारे पास में, कमेंट करके बोले थे भी एक वीडियो पे, तो वो भाई ये कर सकते हैं कि जो दलिया होता है, जौ का दलिया होता है, उसमें भी आप मुर्गों के यानी कि सूखा कुटमरा बना के और वो भी खिलाते हैं ताकि जब ये घोड़ी ठाण दिएगी और वो चिकनाई खाती है यानी कि 9-10 महीने तो आपकी जब आपकी घोड़ी ब्याएगी तो वो चिकनाई से यानी कि ईजी तरीके से ब्याएगी। तो दोस्तों, काफ़ी भाई यानी कि कमेंट करके पूछते थे कि हमारी घोड़ी सुपर है, उसको क्या खिलाएं क्या पिलाएं ताकि वो ठाण इजी तरीके से दिए। तो आपकी घोड़ी को दूध और घी भी पिला सकते हैं, और घी नहीं है तो आप तेल भी पिला सकते हैं। तो ये था एक छोटा